हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अदिति। तो बहुत मैंने सोचा था कि मैं डेली व्लॉग यहाँ स्टार्ट कर दूँगी, बट यहाँ आके पता चला कि यार मैं बहुत बिजी हो गई हूँ यहाँ आके। अब वो फंक्शंस थे, शादी अभी 7 को ही कंप्लीट हुआ है, कल भी एक फंक्शन था, तो फिर टाइम नहीं मिला यार, आई एम सो सॉरी। तो मैं आप लोग को बताऊँगी मेरा गाँव आज, जो आप लोग को पीछे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, तो बताऊंगी मैं कि क्या क्या है यहाँ आजू बाजू वाला ही अभी फिलहाल बताऊंगी और आगे के व्लॉग में ज़्यादा बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं मेरे टेरेस व्यू से। तो ये है पीछे केले का झाड़ और ये गोभी है आई थिंक जो नीचे है वो। तो ये सब खेती है यहाँ के। इधर मॉर्निंग में आने के, अभी तो फिलहाल ये क्लियर है, 2 दिन से तो यहाँ मतलब ये ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, धूप ही नहीं निकला यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी 2 दिन से। आज थोड़ी नॉर्मल है बट है तो भी बहुत ठंडी, और हमेशा यहाँ सुबह सुबह फॉग हो जाता है बट आज फॉग नहीं है यहाँ पर। तो मैं बताती हूँ आप लोग को आगे का व्यू मेरे घर का, बहुत प्रिटी है, मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है सुबह सुबह। तो ये देखो, ये हमारी गाय है जो दिख रही है, हाय। तो ये गाय है, तो ये है गांव, बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है यहाँ पर। सब आसपास में ही रहते हैं, सिर्फ ये साइड पे खेती है क्योंकि हमारा घर यहाँ कॉर्नर पे पड़ता है। और यहाँ पर है जो ये ट्री दिख रहा है ना, ये ट्री के पीछे है ना गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैं वहाँ जाके भी आप लोग को बताऊँगी वो स्कूल, आप लोगों को वो गवर्नमेंट स्कूल में लेके जाती हूँ जो ये ट्री के पीछे है। तो लेट्स गो। हेलो क्यूटी, खाना खा रही है, रुको। हमारे इधर राजकुमार जी, हाय बोलिए, ये मेरा व्लॉग जो हमें खाना बना के खिलाते हैं बहुत टेस्टी टेस्टी। ये भी खेत है हमारी, बहुत अच्छा है। और वो जो पीछे जो दिख रहा है ना, वो आम का पूरा बगीचा है। रुको, मैं ना जाने का ट्राई करती हूँ वहाँ पर, मैं बताती हूँ आप लोग को। तो ये है, और ये है स्कूल, और ये मेरा घर, बहुत पास पास में है दोनों एकदम। और मुझे जितना याद है, मैं जब छोटी थी तभी यहाँ पर ना, जब भी इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे होता था, मेरी दादी को यहाँ एज अ चीफ गेस्ट बुलाते थे, तो वो फ्लैग होस्ट करती थी इधर का, तो मैं आती थी उनके साथ जलेबी खाने। मुझे बहुत पसंद है जलेबी। तो ये है यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल, और यहाँ पर फ्री खाना भी देते हैं उन लोग। और मैं जब छोटी थी तभी मैं यहाँ पर वो बच्चों के साथ खाना खाने भी आती थी और पढ़ने भी आती थी जब मैं यहाँ आती थी तब। और ये ट्री है, और यहाँ एक हैंडपम्प है। तो चलो मैं आप लोग को वो बगीचे में ले जाती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये है बैम्बू ट्री। ये बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है, यहाँ पर बस मुझे लाइट मिल जाए अच्छी शूट करने के लिए। और मैं आप लोग को वो जो सामने ट्री दिख रहा है ना, उसके बारे में भी बताती हूँ क्या है वो। अभी पता है यहाँ पर है ना, पानी गिर रहा है ऊपर से। मुझे तो पहले सुबह सुबह लगा कि बारिश हो रही है बट बारिश नहीं हो रही थी, वो फॉग गिर रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था रात में, तो वो अभी ऐसा रेनफॉल जैसा गिर रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखो, मैं ये ट्री के बारे में बताती हूँ, ये है बर्डम बाबा, सब लोग बोलते हैं इसे, बट यहाँ पर ना पूजा या शादी कुछ भी रहेगी तो यहाँ पूजा होता है उसका। और ये ट्री कैसा है देखो, ये एक स्टेम, मतलब ये रू इधर से वो आया है, फिर वहाँ जाके ये भी जो ट्री ये जो है वो वहाँ से जाके और एक झाड़ आया है, तो इतना सारा ये पूरा इतना बड़ा है, ये बहुत सही है यहाँ। और यहाँ ना धूप ज़्यादा आता नहीं है, एकदम ठंडा ठंडा हमेशा रहता है ये। और ये है सब ज़्यादा, हम लोग यहाँ छोटे थे तो यहाँ पर ना यहाँ से हिलते नहीं थे, यहाँ ही रहते थे ज़्यादा टाइम, खेलते रहते थे, झाड़ पे चढ़ते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये देखो, ये जो है पूरा आम का बगीचा, और यहाँ पर लीची बहुत फेमस है, तो लीची का जो पेड़ है ना वो भी वहाँ पर ही है। ये सारे आम के हैं और वो लीची के पेड़ है सब, तो बहुत सही लगता है वहाँ लीची खाने में। पर वो ना समर वेकेशन में आता है, तो समर में बहुत मज़ा आता है यहाँ आने में। तो ये था
मेरा आम और लीची का बगीचा और ये है हमारा भगवान जी। देखिए आपको ये भी बताती हूँ, अभी मैं चप्पल पहनी हूँ, मैं अभी ओपन नहीं था, तो ये है यहाँ सारे पूजा होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। बहुत सही व्यू है यहाँ का। मुझे याद है यहाँ से ना आगे गए तो एक ऐसा पॉन्ड टाइप आता है कुछ पानी का, बट वहाँ मेरे को लग रहा है कि मेरे को जाना नहीं चाहिए, तो ठीक है वहाँ का मैं किसी के साथ आऊँगी तो बताऊँगी, अभी तो मैं अकेली हूँ तो वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, अब वो वाला स्किप बाद में दिखाती हूँ। तो ये है, मैं यहाँ पर सबसे ये वाला जो स्टेम है ना, ये ना ज़्यादा ऊपर नहीं है तो मेरे को यहाँ चढ़ने में मज़ा आता है, यहाँ पर बैठ के हम लोग खेलते हैं। मेरे पास फ़ोटोज़ रहेंगे तो मैं एंड में डाल दूँगी वो फ़ोटोज़, आप लोग देख लेना यहाँ के फ़ोटोज़। तो हो गया ये, ओ मैंने आँख में कुछ चला गया क्या, नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से घर, आप लोग को मतलब ये तो देख लिया होगा आपने, तो ये मेरा आम और लीची का बगीचा था, और क्या दिखाऊँ मैं ये व्लॉग में, चलो और दिखाती हूँ मेरे गांव दिखाती हूँ, जहाँ जहाँ तक मैं जाती हूँ हमेशा, और जहाँ तक हमारी पूरी फैमिली है, मतलब बोलते हैं ऐसा सब लोग कि वो जो है सब लोग मतलब भाई भाई थे पहले, तो फिर अभी तक मुझे इतना ही पता है कि सब वहाँ जहाँ तक अभी मैं जाऊँगी वहाँ तक है ना पूरा घर, मतलब पहले जो थे ना एकदम पहले पहले दादाजी, उनके दादाजी वगैरह, तो सब लोग भाई भाई थे, अभी सब स्प्लिट हो गए यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो लेट्स गो, अभी हो रहा है 8:47, तो यहाँ पर अभी देखो 8:47, यहाँ कुछ धूप वूप नहीं है, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है तो जाते हैं, अब मैं आप लोग को मेरा गाँव दिखाती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम माई हाउस, ये है मेरा घर, ये हमारा मंदिर छोटा सा, और ये जो है गार्डन जो मेरी दादी ने अच्छे से किया है, ये हमारा है गाय का घर, ये भी एक घर है, ये तो अभी अभी बना है, पहले उनका यहाँ पर था अब वहाँ बन गया, ये भी मेरे एक दादाजी का घर है, ये भी घर उनका, ये एक दादाजी का, यहाँ सब मैंने बोला ना यहाँ सारे फैमिली थे हम लोग, तो फिर ज़्यादा पता नहीं। और ये है मेरा भाई जो बिल्कुल भी हमेशा शर्माता, छोटा था तभी हमारे साथ खेलता था बट अब नहीं, वो ए तो वो निकाल। तो ये है सारा घर, यहाँ रहती है मेरी फ्रेंड, ये काजल का घर है ना, है ना, ये यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है काजल, काजल अगर तूने ये देखा तो हाय काजल। तो ये है मेरे दादाजी, जो है इनका घर है वो वहां पर है, बट यहाँ पर वो उनका सब गाय का खाना सब है। तो ये हो गया, तो ये है एकदम प्रिटी है और एकदम क्लीन है, और हाँ यहाँ का पता है आप लोगों को, यहाँ का मिट्टी है ना एकदम वाइट है, वाइट मतलब ब्राउन, मतलब रेड वाला मिट्टी यहाँ दिखेगा ही नहीं, देखो यहाँ सब वाइट है। तो क्या होता है जब रात में अंधेरा रहता है ना और मून जब शाइन होता है, मतलब मून जब रहता है तो यहाँ पर है ना अंधेरा जैसा लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वाइट है, तो बहुत सही लगता है। और ये भी है मेरे दादाजी का घर, तो मैं तो फिलहाल यहाँ तक ही जाती हूँ हमेशा। और ये है मेरी भाभी का घर और भाई का घर, जो बहुत प्रिटी है। तो यहाँ मेरे दादाजी स्नान कर रहे हैं। देखे हो ना, तो ये भी वीडियो में चैनल पे डाल रही हूँ, हाय बोलो हाय। तो ये है, तो मैं यहाँ तक ही आती हूँ, और मैं इनका प्रिटी घर। चाय फिर से पिलाओ, तो मुझे आपके हाथ का चाय बहुत अच्छा लगा, चाय यस। परी के हाथ का चाय मैं कितने बार में पी सकती हूँ, ये वाले कप में दो, मुझे पिंक कलर का कप चाहिए, ठीक है आप इसमें पियो मैं इसमें पीती हूँ, अभी इसमें से चाय दो मुझे, थैंक यू।
मैं बताऊँ कैसे बनाए? चीनी डाल दो। चीनी डाल दो। नो, थैंक यू। ये है मेरे रतन जी। कैसा रतन जी, कैसे हो? ठीक से, ठीक से। ठीक हो? हाँ हाँ ठीक से। हाँ हाँ तो तुम बाबू हो। रुक करिए, हाय हाय कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए ना, ऐसा कर लिया। हाय, ये मेरे फेवरेट है रतन जी। हाँ हाँ ठीक से। हाँ तो चलिए, चलती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हमें भेज कर। हाँ हाँ आइए आइए, बाय। तो ये मेरे चाचा जी है जिनको कुछ बात करना है आप लोग से, तो बोलिए चाचा जी। हाँ, हमको लगता है जब बाहर से गांव के लोग आते हैं घर पे तो लगता है कि बहुत माने अच्छा अवसर है और बहुत खुशी होती है मिलकर के आपस में एक दूसरे से, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। अदिति आई है ना तो लगता है कि पुनः ये अपने ओरिजिनल घर में आ गई है। Yes! So guys, thank you so much for watching my video. If you like this video, please hit the thumbs up and please do come comment and subscribe to my channel. और हाँ, bell button को भी दबा देना कि जब भी मैं आऊँ तो you will get notified. So see you then. Bye.